सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। सो आप देख रहे हैं आल एडिटर RC67। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, विजय महर जी ने न्यू फोटो पोस्ट किया, बट उन्होंने इस फोटो में कोई एडिटिंग नहीं किया, उन्होंने ऐसा फोटो शूट कराया है। तो गाइस, अगर आपको भी कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप ऐसा फोटो एडिट कर सकते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी विजय महर फोटो एडिट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो की तरफ, और गाइस मैं पोस्ट की बात नहीं करूंगा, गाइस आप कोई भी पोस्ट में फोटो क्लिक करा लीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना होगा। तो गाइस, इस बैकग्राउंड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको इसे रिसाइज कर लेना होगा टूल्स पे जाके। तो क्या है ना, आप अच्छे से रिसाइज कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छे से रिसाइज कर लेता हूँ। ओके, और ऐसा रिसाइज करने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ डन। ओके, एंड गाइस डन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से जाना होगा ऐड फोटो पे। ओके, और ऐड फोटो पे जाने के बाद आप अपने मॉडल का बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा। मैंने पहले से रिमूव कर लिया था। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। ओके, और इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से कर लेना होगा डन। ओके, तो इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद गाइस यहाँ से आपको जाना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा कलर वाले टूल्स पे। ओके, कलर वाले टूल्स पे जाने के बाद आपको ये चौथे वाला नंबर वाला कलर सेलेक्ट कर लेना होगा इफेक्ट, ठीक है। और ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इसका फेट आपको कुछ इतना रखना होगा, ठीक है। तो आप इतना रख लीजिएगा 91 या 92 के आसपास। तो इससे क्या होएगा, हमारा मॉडल है ना बैकग्राउंड से मैच करने लग जाएगा। ओके, और ऐसा करने के बाद आपको फिर क्या करना होगा, फिर गाइस इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको अब क्या करना होगा, आपको जाना होगा यहाँ से टूल्स वाले आइकन पे, ठीक है। और यहाँ से एडजस्ट पे जाइएगा और इसकी ब्राइटनेस है ना जो ऐसे माइनस कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ सीरियस टूल्स पे जाइएगा और इसे कर लीजिएगा इन्वर्ट। ओके, इन्वर्ट करने के बाद यहाँ से जाइएगा पेंसिल वाले आइकन पे, देन गाइस इसके ओपेसिटीनेस को आप इतना रख लीजिएगा, ठीक है। और साइज को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और गाइस फिर आपको नीचे नीचे से ऐसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, और थोड़ा थोड़ा सा आप ऐसे हाथों में भी डाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इसके ओपेसिटी एंड हार्डनेस कम करके और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हाथों में भी डाल लेता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे डाल लीजिएगा। ओके, और थोड़ा सा आप ऐसे अपने हेयर्स भी डाल लीजिएगा। ओके, और ऐसा करने के बाद आप यहाँ से कर लीजिएगा डन, ठीक है। एंड गाइस डन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाना होगा ड्रॉ टूल्स पे। ओके, और ड्रॉ टूल्स पे जाने के बाद आप यहाँ से थ्री डॉट पे टैप करके फ़ोटो कर लीजिएगा सेव। ओके, एंड गाइस सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन पे। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ, तो गाइस सबसे पहले आप पेंसिल वाले आइकन पे जाइएगा। ओके, और इसका HDR डाल लीजिएगा। ओके, तो आपका फ़ोटो HD में होगा, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट है अपने अकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करना होगा अपना फ़ोटो देख के। ओके, और फिर जाऊँगा मैं पेंसिल वाले आइकन पे और इस बार मैं क्या डिटेल्स डाल लेता हूँ, ठीक है। और डिटेल्स डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा यहाँ की। ओके, तो डिटेल्स भी डाल लेता हूँ मैं। ओके, और उसके बाद फिर पेंसिल वाले आइकन पे जाता हूँ और यहाँ से टून इमेज पे जाता हूँ, ठीक है। तो इसकी ब्राइटनेस है ना जो मैं ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करूँगा, देन गाइस कंट्रास्ट को कम करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट है ना यहाँ की, तो वो अपने अकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ। ओके, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा अपने फ़ोटो को देख के। ओके, और ऐसा करने के बाद आपको फिर बताता हूँ मैं क्या करना होगा, और यहाँ से कर लीजिएगा डन। ओके, एंड गाइस डन करने के बाद फिर आप यहाँ से इस टूल्स पे जाके फ़ोटो कर लीजिएगा सेव। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हमारा फ़ोटो पूरा एडिट हो चुका है। तो गाइस प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग अनलाइक करते हैं ना तो बहुत ही बेकार लगता है, तो प्लीज़ अनलाइक मत किया करो, ठीक है। और लाइक कर दिया करो, क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि विजय महर की हम कोई भी एडिटिंग नहीं छोड़ते हैं, डाल देते हैं तुरंत यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलिए यहीं वीडियो को स्टॉप करते हैं, तो जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।